अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या चला? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं जा रहा हूँ जी मलक बरार अब्बास के घर, उधर मेरी इफ्तारी है, तो चलो फिर चलते हैं। मैं अपने घर से बाहर आ गया हूँ जी, अब जा रहा हूँ जी मैं न्याज बेग। ये मैं आपको रोड भी दिखा रहा हूँ, आ गया जी भट्टियों वाला चौक, फेमस है ये। सामने आगा महमूद साहब आ रहे हैं, ये राइट साइड पे आप देखेंगे जी बाबा बरहान शाह आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाबा बरहान शाह दरबार है। अब ये थोड़ा सा कैमरा अगर हिलेगा तो उसके लिए मैं माजरा चाहूंगा, क्योंकि मैं एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। यह जगह का नाम है बाहर वाली हवेली। जी न्याज बेग चौक, ये मलका का मामर का मशहूर है, वाने जैन मामर का नाम है। ये सवाला आ गया, बड़ा फेमस है। और ये आ गया जी कासम चौक, इधर ये चार पांच रास्ते जाते हैं इधर से। ये राइट साइड पर जाएंगे तो आप कनाल भी निकल जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे तो आप मोटर वाली साइड पे चले जाएंगे, और ये सीधी सड़क जा रही है। और ये इमामबाड़ा आ गया जी, सैयद अली हुसैन शाह साहब का इमामबाड़ा आ गया लेफ्ट साइड पे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इमामबाड़ा बनाया हुआ है, ये देखें। ये मैं रास्ते में आपको दिखाता भी जा रहा हूँ, क्योंकि पहुँचने वाला हूँ मैं जहाँ मेरी इफ्तारी है, उधर इफ्तारी की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जाके। ये जो लेफ्ट साइड पे रोड है ये जा रहा है जी मरगजार कॉलोनी वाली साइड पे। ये भी इमामबाग आ गया जी, राइट साइड पे मेरे इमामबाग है। ये रोड सीधा जा रहा है जी मुल्तान चुंगी को। बस जी खुद ही बचना है, कोई नहीं बचाता आप लोगों को, आप पता है ड्राइविंग कर रहे हो तो खुद ही बचना होता है। अभी जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूं। सामने आ गया जी घर जहां पे इफ्तारी है, अभी आपको इफ्तारी में भी दिखाएंगे कि क्या क्या इफ्तारी में है, क्या क्या डिशेज हैं, क्या क्या बना हुआ है इफ्तारी में। लेकिन फाइनली मैं पहुंच गया हूं, अभी गेट खोल के अंदर जाऊंगा। ये जी मैं पहुंच गया हूं, मैं
रेल बाद बह यार तू भी चला दे तो प्लेट सारा छोटी तू फड़ी नहीं नहीं खावे सत अठ बार पर छोटी प्लेट ना लो फाइनली मैं घर आ गया हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।